दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। जिला शिमला के प्रसिद्ध देवठी श्री डोम देवता मंदिर गुठान में 20 वर्षों बाद ऐतिहासिक जातर मेले में क्षेत्र की अन्य देवठियों के देवलुओं तथा डोम देवता के साथ खुंदो संग हजारों लोग भव्य देव मिलन के साक्षी बने। पुजारियों द्वारा परंपरा अनुसार शावर वेद के मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। देवी देवताओं ने गुरुओं के माध्यम से देववाणी कर कारदारों व कल्याणों को दैविक नीति व रस्मों को एक मत से परंपरा अनुसार निभाने की नसीहत दी और श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद दिया। उसके बाद मंदिर परिसर में श्री डोम देवता महाराज की भव्य जातर का आयोजन किया गया। डोम देवता के रथ के साथ माहेश्वरी देवी शड़ी व गुठान के देवलुओं ने पारंपरिक चोलटू नृत्य से समा बांध दिया। रियासत जो थी ये कुंटल में आता था हमारा। जब राजा साहब का टीकाकरण होता था तब ये जातर वो आदेश देते थे जातर को कि भी अब जातर की जाए। देवता महाराज जो है अपने मंदिर से कितने सालों तक बाहर रहेंगे? कम से कम तीन साल, पर इस साल शायद 3.5-4 साल भी हो सकते हैं। जातर नाच जाएगी। जो जातर का उद्घाटन समारोह होता है वो कितने दिन चलता है आपके यहाँ और कितने देवटियों के लोग आते हैं? वो वैसे शुरुआत तो 22 को होगी थी पर आज इसका संपन्न 24 को है, 3 दिन समझो आप। तो कितने क्षेत्रों की देवटियों के लोगों ने भाग लिया? ये देवठी जो मेन हमारा है वो मतियाना से है, बाकी जो बर्तन देते हैं हमको 20 देवटियाँ दी जो जिनके नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए थे, और जो हमारे करणे हैं वो तो हमारे होस्ट मतलब हमारे साथ सम्मिलित थे और जो हमारे करणे साथ खुंदे वो भी शामिल थे इसमें। इसके बारे में बताओ। तो उसमें वो काफ़ी बड़ा मतलब इस जातर का जो एंड होता है उसको बठातर बोलते हैं, तो एक वो तो बहुत बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होगा, उसमें काफ़ी मतलब देवठियों के लोग भी आएंगे और काफ़ी रश रहेगा उस टाइम। का जो इतिहास है वो क्यों थलियास जुन्गा के साथ जुड़ा हुआ है, किंवदंती या सत्य भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जुन्गा में राज परिवार पर विपत्ति आई थी और उस विपत्ति को डोम देवता ने दूर किया। उसके बदले में उन्होंने जब जुन्गा में राजा होगा टीका होगा तो पूरा जो डोम का देश है क्यूंटल स्टेट का एरिया है उसमें सब जगह जातरों का आयोजन किया जाएगा, और जब यहाँ जातर उत्सव मनाया जाता है शुभारम्भ होता है तो उसमें राजा जुन्गा सहित अनेक राजा रानाओं को बुलाया जाता है, जैसे कुठार सेर है, त्रिकोटी है, कोटखाई है, ठियोग है, घूंड है, ठाकुर साहब शिला है, कंवर साहिबा महेश्वरी की छड़ी को यहाँ बुलाया जाता है, और पहली जातर का आयोजन जो है वो डोम देवता की तरफ से होता है, दूसरी जो जातर है वो यहाँ की बेटियों की तरफ से होती है, उसके बाद देवता जी कल्याणों की सुख समृद्धि के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हैं, और इसका जो बाद में पूर्णाहुति होती है वो बढ़ातर के रूप में गुठान में होती है, और जो जो लोग जातर देते हैं जहाँ जहाँ देवता का भ्रमण होता है बढ़ातर के समय में उन सभी को बुलाया जाता है। इसके अलावा ठियोग में इस देवता के मानने वालों में ठारा के राजा उनको भी बुलाया जाता है, और देवी साहिबा महेश्वरी की छड़ी पुनः बढ़ातर उत्सव में उनके लोगों के साथ आएगी। इसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं को भी इस आयोजन की पूर्णाहुति के लिए बुलाया जाता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मतियाना से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। यदि आप शुभ नवरात्रों और शादियों के इस सीजन में खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर। इन खास त्योहारों को खास बनाने के लिए सोलन के भूषण ज्वेलर आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर।
भूषण ज्वेलर आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। खरीदारी के समय यहाँ न आपको केवल अपनेपन का एहसास होगा बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी अवश्य मिलेगा। भूषण ज्वेलर सोलन के MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को एक ईऑन कार, 5 स्कूटी व 1.5 इनाम दिए गए हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है। तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर सोलन।